वेलकम बैक गाइस, दिस इज सुपर स्मैक्स। कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज जो है मैं कुछ क्लचेस और 1v3 वगैरह दिखाऊंगा, 1v4, और बताऊंगा कैसे करते हैं और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा जो कि तुम्हारे लिए इजी होगा, हेल्प होगा क्लासिक मैचेस में अगर या तुम मोंटाज वगैरह बनाते हो तो उन सब में। तो चलिए देखते हैं, आते हैं अपने हम पहले क्लिप पे अपने। यहाँ पे एक बंदा नॉक दिया था, पहले उसको फिनिश करता हूँ मैं। अब इसको फिनिश कर दिया, एक बंदा और मेरे पे पुश करेगा तो उसके लिए मुझे रेडी होना था, लेकिन मैं रेडी नहीं था, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। रिलोड करने लग गया था, मुझे लगा मैं तो गया लेकिन मैं बच गया था। और दो बंदे उसके फिर दोबारा पुश करने वाले और मेरी हेल्थ लो है, तो मैं वहाँ से ज़रूर निकलना है मुझे। और गेट में घुस रहा था मैं, लेकिन घुसा नहीं क्योंकि वहाँ आराम से प्रेडिक्ट कर लेते और कर भी लिया था उन्होंने, इसलिए मैं इसमें घुस गया और चुपचाप खड़ा हो गया और प्रॉपर हेड कनेक्ट किया। कन्फ्यूज़ नहीं हुआ मैं, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, और आराम से इन दोनों को मैंने डाउन कर दिया। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लिप पे। अब यहाँ पे क्या है कि मैं ग्लाइड करके यहाँ पे उतर चुका था और कहीं मैं जा नहीं सकता था, और ये चार बंदे यहाँ पे पूरी स्क्वाड है और मुझे घेर लिए। और यहाँ पे देखो एक बंदा सामने से जा रहा है, वो देखो। अब एक बंदा पीछे और कूदेगा, अब मुझे लग गया कि मुझे यहाँ से तो जाना पड़ेगा क्योंकि इन लोगों को पता चल चुका है और मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे तुरंत कूद जाता हूँ कैसे भी अपनी जान बचा के, और यहाँ पे फिर मैं घुसा तो मुझे लगा मैं यहाँ से मर गया, लेकिन क्योंकि वो सामने से घुस जाएगा गेट से और मैं यहाँ पे से, तो मैं यहाँ पे भी बच गया। लेकिन अब ये नेट आया था तो मैं वहाँ पे अच्छा हुआ, वहाँ पे नहीं था मैं, नेट आया था, नेट से भी बच गया मैं। और गन नहीं उठा रहा था लेकिन मैंने उठा ली, इसलिए अच्छा हुआ मैंने उठा ली, क्योंकि फिर ऊपर गन नहीं मिलती तो ये मेरे पीछे पड़ ही गया था। और इसको मैंने डाउन किया, अब मैं यहाँ पे मेरे को हील भी मिल गया और कुछ ये गन वगैरह भी एक और मिल गई, और प्रॉपर मैंने हील वील किया और इन्होंने थोड़ा सा ट्राई तो कर दिया मारने का। फिर मैं स्टीयर के इस कोने पर खड़ा हुआ, जैसे ही मुझे मौका मिला तैसे मैं शुरू हो गया और एक एक करके प्रॉपर वे में मैंने फाइट लिया। ये नहीं कि एक मार दिया फिर उधर भाग रहा हूँ, एक्स्ट्रा मूवमेंट नहीं देनी है और हमेशा वो पीक से कनेक्ट करने की कोशिश करनी है, बस इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब आते हैं हम अपने तीसरे क्लिप पे। अब यहाँ पे बहुत देर से बंदे कैंप कर रहे हैं, चार बंदे, और नीचे मैंने इधर से काफ़ी जगह से मैं ट्राई किया और काफ़ी देर हो गई यहाँ पे, तो मुझे लगा अब तो एक जगह किसी जगह मैं बैठ जाऊँ आराम से, तसल्ली से मारता हूँ। कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट कर रहे थे ये लोग, और मुझे कोई एक ऐसा रास्ता नहीं मिला था कि मैं इन्हें पकड़ पाऊँ। बस क्या है ना कि आपके इधर उधर से कोई ना आए, सामने से आए जो भी आए, और तुम्हें जब वो आ रहा है तब तुम्हें फायर रोकना नहीं है बिल्कुल भी, अंदर घुस नहीं सकते, घुसने नहीं देना है, ये बात का ध्यान रखना है। अब आते हैं हम अपने चौथे क्लिप पे। अब यहाँ पे मैं लेट हो गया तो उतरने में, एक बंदे ने मुझे देख लिया था, अब वो मेरे पीछे पड़ गया। अब मैं भाग रहा था लेकिन मैं बच नहीं पाया, वो यहाँ पे भी आ गया, उसने देख लिया था, लो कर दिया तो मुझे, उसके घुस गया अंदर। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ। अब यहाँ पे इनका एक बंदा सामने, मेरी कोई लोके वापस आया था। अब एक बंदा नीचे सामने, इसकी भी मुझे आवाज़ आ गई थी, लेटा हुआ है, तो इसको भी मैंने डाउन किया, पता नहीं कौन सा नशा फूक के रखा था इसने। अब दो बंदे इसके और बचे हैं तो मैं इनके लिए पूरा रेडी जरूर रहना, लेकिन अब लास्ट की एक बुलेट लग गई, नहीं तो अगर ये बच जाता फिर लास्ट की एक बुलेट से नॉक हो गया। अब आता इनका आईजीएल भी गया, इतना बहुत ज़्यादा बहुत फास्ट बन रहा था ये। अब थोड़ा बहुत मैं इनको ट्रोल करता हूँ, क्या हुआ, लो एचपी पे मार रहा था ना। अब यहाँ पे आते हैं हम नेक्स्ट क्लिप पे अपने। अब यहाँ पे तीन बंदे हैं, अब इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे ना हमें ऊपर से बॉक्स के ऊपर से हमें फाइट नहीं लेनी है। देखो मैं किस एंगल से ले रहा हूँ, मैंने राइट से पिक किया, अब ऊपर से नहीं, बॉक्स के मैंने फिर आराम से इनको ले लिया था। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्लिप पे आते हैं, और यहाँ पे मैंने पीछे भी बिल्डिंग में एक नॉक दिया और सामने भी, फिर मैं वहाँ छोड़ के मैं सामने आ गया और इसको एक नॉक दे दिया। अब इनका एक नॉक और पड़ा हुआ था, इन दोनों को फिनिश करने का। दो बंदे और ऊपर हैं लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं जाऊँगा, मैं पहले चेक करूँगा। हाँ मैंने पहले चेक किया, डायरेक्ट नहीं घुसा मैं। अब जब मेरे को जब मुझे पता चल गया कि दो हैं तो मैं तुरंत किसी तरीके से फायर देते देते और कंफ्यूजन में दौड़ता हुआ तुरंत नीचे आया। अब मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, मुझे हील जरूर कर हील करना ज़रूरी है, कभी भी पुश कर रहे हो हील करना बहुत ज़रूरी है अगर मौका है तो। अब मुझे पता था ये राइट में ही होंगे, मैं प्रेडिक्ट कर लिया था, ये प्रेडिक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, अगर कर लिया और डायरेक्ट में घुस गया, जिससे तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं होगी, तुम्हारा माइंड क्लियर रहेगा, आसानी से पकड़ लोगे बंदों को, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे क्या है ना कि इस विंडो से अगर
कोई दिख नहीं रहा था, हमें नेक्स्ट विंडो पे जाना है, लेफ्ट राइट कहीं ना कहीं से वो बंदे सामने वाले दिख जाते हमें ऐसे बैठे हुए या किसी और को मार रहे होते। फिर यहाँ पे मैंने एक अपना और आइडिया लगाया कि वो जो उसका रिवाइव बंदा रिवाइव करने आ रहा था वो शायद वहीं बैठ गया या क्या हुआ, लेकिन मैं फिर भी मैंने गैप से उसको मारने की कोशिश की और जो कि मैंने मार भी दिया। अब यहाँ पे क्या है, क्रॉसहेयर को ऊपर रखना ये बहुत ज़रूरी है, क्रॉसहेयर को ऊपर रखना बहुत ज़रूरी है जिससे कि कोई भी अचानक से आए तो वो आराम से पकड़ा जाए। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत तीन बंदे हैं यहाँ पे, अब मैं इनको कन्फ्यूज कर रहा था, एक जगह से बुलाना चाहता था मैं इनको एक जगह से, कि एक जगह से ये नहीं कि कोई उधर से निकल जाए कोई उधर से निकल जाए, तो उसमें क्या है ना कि फिर दो तरफ से संभालना मुश्किल है, इसलिए मैंने एक तरफ से निकाला और मैं वहाँ पे पीक करके मारा मैंने, जैसे ही आई है पीछे चला गया मैं और पीक करा मैंने और पीछे भी होता चला गया, नहीं तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती। मैं देखो सामने रहेगा तो तुम चार भी तीन बंदे को कुछ भी नहीं खाड़ सकते तुम, कितना भी जिगल दे लो, तो इसलिए मैं अपने आप को कवर लिया पहले। उसके बाद अब यहाँ पे क्या है ना कि जो नेक्स्ट क्लिप है हमारी, यहाँ पे मैं बहुत देर से लूट रहा था, इनको पता नहीं आवाज़ आई नहीं आई नहीं मैंने, लेकिन स्टेप काफ़ी फुट स्टेप काफ़ी दिया तो फिर मैं कुछ मिनट के लिए यहाँ पे शांत हो गया कि मुझे मौका मिल जाए इनको मारने का। अब वो पता नहीं क्या करता है, हील करता है, वो बाहर निकला वो और उसको पकड़ लिया, और फिर एक ये बंदा पता नहीं कहाँ से आ रहा था इसको भी पकड़ लिया। अब यहाँ पे उनका एक बंदा वहाँ पे ब्रोकन वॉल पे, मैं घूम के गया सामने से नहीं गया क्योंकि सामने से मारना इजी होता है, शायद उसका रिफ्लेक्स मिस ज़्यादा हुआ तो वो पकड़ लेगा मेरे को। अब देखो मैंने वहाँ पे लेफ्ट में देखा, अब वहाँ पे बंदा नहीं है, कोई दिखा नहीं। अब यहाँ पे एक बंदा इसका जो है पहले बंदे को जो मार रहा था वो वापस आ गया है। अब मेरे को लगा कि अब तो मैं लो एच पी हूँ तो मैं प्रोन फायर, मैंने दिया प्रोन फायर दिया इस, तभी मैं उसको मार सकता, नहीं तो नहीं मार सकता था मैं। अब वो देखो वो पीछे से वो उसने भी मार दिया मुझे, कैंप कर रहा था वो वहाँ पर, मुझे पहले दिखा नहीं, कैम कर रहा है तो क्या ही कर सकते। अब यहाँ पे क्या है ना कि एक बंदे को आते ही मैंने नोक दिया है और एक नेड मारा मैंने, नेड को अगर वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा तो जहाँ तक पहुँच रहा है उसके और ऊपर कर देना, वो और आगे चला जाएगा, तो मैंने वही किया, थोड़ा सा प्रिडिक्शन से नेड फेंका मैंने, तो उससे तो हमारे वो दो बंदे तो नोक हो चुके हैं पहली। अब सामने भी कुछ बंदे हैं तो यहाँ पे मैंने इसको नोक दिया और यहाँ पे भी मैंने एक नेड डाला, नेड आगे ही जहाँ तक जा रहा डाला, फिर वो ठप्पका के आगे चला ही जाता है वो। यहाँ पे भी दोनों जा चुके, अब मैं कर देता हूँ पुश। अब यहाँ पे क्या है कि एक बंदा और है, ये कोई और है तो इसको भी मैंने प्री फायर में ले लिया। अब यहाँ पे जो है मेन चीज यहाँ पे आती है, उसको मौका तक नहीं दिया मैंने निकलने का, ये सबसे बहुत तगड़ी चीज है ये वाली प्री फायर, ये मास्टर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है कि अगले बंदे को मौका ही ना मिले, और वो मुझे एक बुलेट तक टच नहीं कर पाया, वो इतना मैंने एक्यूरेट प्री फायर लिया उसका, ये नहीं कि मतलब जब वो आ रहा है तब मेरे को दिखा तब मैं शुरू कर रहा हूँ, ये नहीं, प्रेडिक्ट करना बहुत ज़रूरी है प्री फायर में, प्रेडिक्ट कर लिया तो अच्छे से अच्छा बंदा भी गिरा सकते हैं हम, और नहीं तो अगर प्रेडिक्ट नहीं किया अगर सामने ऐसे चले गए ओंदा और देखा फिर फायर दे रहे तो फिर तो कोई नूब भी तुम्हें मार देगा, तो ये प्रेडिक्शन बहुत ज़रूरी है प्री फायर में। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर कुछ सजेशन हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, और अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल, ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स 1v4 और गेम प्लेस वगैरह भी आएंगे मोस्ट के लिए। तो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सी या बाय बाय टाटा।